द पॉलिटिकल कॉजेज बिहाइंड द रशियन रिवॉल्यूशन. मैंने आपको जैसा बताया कि रशिया के अंदर मोनार्की हुआ करती थी, और मोनार्की बेसिकली रोमानोव डायनेस्टी, और मोनार्की कैसी हुआ करती थी, एब्सोल्यूट मोनार्की. प्रजा को कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता था, जो भी राजा डिसाइड करेगा वो रहेगा. ये रोमानोव डायनेस्टी का सबसे आखिरी राजा हुआ करता था 1894 से लेके 1917 के बीच में रूल करने वाला, जिसका नाम था यहाँ पे जार निकोलस टू. निकोलस क्या बताता था, मुझे जो सही लगता है वो मैं करता हूँ, बोले तुम कौन हो मुझे पूछने वाले. सो ये बताता था कि आई वॉज अपॉइंटेड बाय द गॉड्स, ओके द किंग इज अपॉइंटेड बाय द गॉड्स, बोले मुझे यहाँ पे भगवान ने राजा बना के भेजा है. इसने भी एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज करके रखा था, और जबकि 1900s तक आते आते पूरा का पूरा यूरोप एक नेशन स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा था बैरिंग रशिया. सो बेसिकली रशियन पीपल वर हैविंग एस्पायरेशन टू बी सोवरेन अमंग देमसेल्स, बट ये जो राजा था ये राजा कुछ रिफॉर्म नहीं कर रहा था, ऊपर से उसके स्टेट के अंदर करप्शन बहुत था. और करप्शन जब होता है तो आपका स्टेट, आपको जानकारी रहनी चाहिए कि वो इनएफिशिएंट भी बन जाएगा. ओके सो द रशियन स्टेट वॉज वेरी मच इनएफिशिएंट, द रशियन स्टेट वॉज फुल ऑफ करप्शन, द रशियन पीपल डिड नॉट लाइक दिस किंग, और ऊपर से रशियन पीपल वॉन्टेड टू गेट द पावर इन द सेल्स, द किंग ट्राइड टू सप्रेस देम. ओके सो इन दिस कंडीशन बाय 1900s द रशियन पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग पॉलिटिकल रिफॉर्म्स एंड राइट्स. 1900 तक आते आते रशिया के अंदर इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन हो चुका था. मैंने आपको बताया पॉलिटिकल पार्टीज भी बन चुकी थी, और ये पार्टीज ने भी बहुत रोल प्ले किया है. और रशिया का आम आदमी था, उसने तुरंत राजा को बता दिया, बोले हमको पावर दे दो वरना तुमको भगा के यहाँ से पावर कैप्चर कर देंगे. अब राजा कंफ्यूज था, राजा को लगता था कि अगर प्रजा के हाथ में पावर दे दिया गया तो मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा. सो टू डाइवर्ट द माइंड्स ऑफ द पीपल द किंग थॉट ऑफ कैप्चरिंग सम टेरिटरीज फ्रॉम जापान. अभी रशिया और जापान का उस टाइम के अंदर यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा था नॉर्दर्न चाइना की बहुत सारी टेरिटरीज को लेके, पर्टिकुलरली मंचूरिया जो जापान ने यहाँ पे 1931 में फाइनली उसको इन्वेड किया था, उसको लेके भी इनका चल रहा था नॉर्दर्न चाइना की टेरिटरीज को लेके. और इसके लिए जार जो रशिया का राजा था उसको लगता था कि एक बार वो जापान को प्रोवोक करके युद्ध कर देगा तो होगा क्या कि वो युद्ध के अंदर जीत जाएगा. उसने ऐसा सोचा ख्याली पुलाव के अंतर्गत. और उसके बाद जैसे ही वो युद्ध जीतेगा तो लोगों का पूरा जो जो माइंड है वो कहाँ चला जाएगा, बोले नेशनलिज्म के अंदर. बोले राजा एक नया एरिया कैप्चर करके आया है, राजा हम लोग को नई टेरिटरी दे रहा है, एंड एज अ रिजल्ट द रशियन पीपल वर हैविंग दिस आइडिया. और 1905 के अंदर रूसो जापान वॉर हुआ. इन 1899 टिल 1901 मैंने आपको बताया द रशियंस ऑक्यूपाइड मंचूरिया. 1903 में मैंने आपको ये भी बताया कि जापानीज ने नेगोशिएट करने की कोशिश किया. 1904 तक आते आते जापान अपना एम्बेसडर रशिया से बुला देता है, एंड फाइनली ऑन 16 February 1904 रशिया डिक्लेयर्स अ वॉर अगेंस्ट जापान. और इश्यू क्या था आपका, मंचूरिया का जो एरिया था वो मंचूरिया के इश्यूज को लेके यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहा था. सो इन दिस कंडीशंस रशियंस वर जापान एंड द जापानीज वर कम्पीटिंग फॉर इंपीरियलाइजेशन. और जब जापानीज यहाँ पे वॉर डिक्लेयर करते हैं तो उसका आउटकम रशिया को हक्का पक्का कर देता है, क्योंकि रशिया ये युद्ध हार जाता है. जापानीज का मॉरल इतना बूस्ट हो गया ये युद्ध के बाद कि एक छोटा सा आइलैंड कंट्री इतने बड़े साम्राज्यवादी देश को हरा सकता है, एंड एज अ रिजल्ट दैट वॉज अ लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर द जार गवर्नमेंट. एंड इन दिस कंडीशन रशिया के अंदर बहुत सारा अनरेस्ट पैदा होता है. लोग जार के विरुद्ध में यहाँ पे आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं कि जार ने ये जो किया है बहुत ही गलत किया है. एंड इन दिस कंडीशन द रूसो जापान वॉर टेक्स प्लेस. रूसो जापान वॉर के अंदर में मैंने आपको बताया कि रशिया युद्ध हार गया, और इसके बाद राजा को लगता है कि आइला ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया है. द प्रेशर वॉज माउंटेड बाय द पीपल ऑफ रशिया फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स. बोले अब यहाँ पे रिफॉर्म्स करने ही पड़ेंगे. रशिया के लोग बहुत गुस्से आ गए हैं, और रशिया के लोग बताते हैं कि ये बेकार राजा को हटा दो, कुछ भी हो जाए कि इसको हटाना ही पड़ेगा. एंड इन दिस कंडीशन 1905 में एक छोटा सा रिवॉल्यूशन होता है, और ये छोटे से रिवॉल्यूशन के बाद 1905 के बाद ज़ार पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाएगा रशिया के अंदर. और ये पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के थ्रू आपको जानकारी मिलती है रशिया के अंदर एक पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ड्यूमा, जो रशियन पार्लियामेंट है वो एस्टेब्लिश होती है, और राजा बोलता है कि मैं रिफॉर्म्स लाऊंगा. अब देखिएगा कि ये ड्यूमा 1905 से लेके 1911 तक बढ़िया चलता है, और 1911 के बाद राजा फिर से पावर को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, और इसके बाद फिर से यहाँ पे राजा के विरुद्ध में अनरेस्ट डेवलप होगा. ओके तो फ्रॉम 1906 टू 1914 दिस ड्यूमा वॉज एस्टेब्लिश्ड.
विच वॉज हैविंग वेरी लिमिटेड पावर, हजार के ही लोग इसके अंदर आते थे, एंड ज़्यादातर यहाँ पे पॉलिसीज चेंज नहीं हो पाती है, बट फिर भी यहाँ पे ड्यूमा ठीक ठाक काम करती है। बेसिकली ड्यूमा का काम करने के पीछे रशिया के अंदर जो रिफॉर्म्स है उसमें एक जेंटलमैन जिसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थे उनका नाम था पीटर स्टॉल्पिन। ये पीटर स्टॉल्पिन रशिया के नए प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। ही वॉज अ कॉन्फिडेंट ऑफ जार ओनली, बट उसको जार यहाँ पे थोड़ा बहुत पावर दे देता है, और दिस गाय इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स एंड द वर्कर्स। पीजेंट्स के लिए खास करके, वर्कर्स के लिए खास करके, वर्कर जो लोग फैक्ट्रीज के अंदर काम करते थे और उनको एक्सप्लॉयटेशन होता था, तो ये फैक्ट्रीज के अंदर रिफॉर्म लाएगा और यहाँ पे वर्कर्स का जो भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो इसके लिए वहाँ पे रेड वेड लगवाया करता था, फैक्ट्रीज को इंस्पेक्ट किया करता था, तो इसने ठीक ठाक काम किया है। ओके, सेकेंडली ये पीजेंट्स के अंदर भी रिफॉर्म करेगा, और जो पीजेंट्स को सर्फडम से बाहर निकालने के लिए फीस देनी पड़ती थी, क्योंकि अगर कोई पीजेंट को बाहर निकलना है अपने सर्फ अपने बॉस से तो उसको पैसा देना पड़ता था, वो फीस भी इसने अबॉलिश कर दी, लैंड रिफॉर्म्स किए, पीजेंट्स के हाथ में ठीक ठाक लैंड आ जाए, पीजेंट्स को कहीं कहीं उसने दूर दूर साइबेरिया तक जाके उसने सेटल कराया, और वहाँ पे भी रशियन लोगों का अपना दबदबा हो वो भी करने की कोशिश की गई। तो ही वॉज क्वाइटली पॉपुलर अमंग द रशियन मासेस, ऐसा बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। एंड इन दिस कंडीशन आपको जानकारी मिलती है कि ये स्टॉल्पिन रिफॉर्म्स कर रहा था। अब धीरे धीरे स्टॉल्पिन रिफॉर्म्स कर रहा था तो राजा को पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि ये स्टॉल्पिन अल्टीमेटली राजा का पावर भी कैप्चर कर सकता है। और ये कंडीशन में आपको जानकारी मिलती है कि इन 1911 रशिया का जो प्राइम मिनिस्टर था स्टॉल्पिन, उसका मर्डर हो जाता है जार के सामने। एक रैली थी कहीं पे और वहाँ पे ये लोग इकट्ठे हुए थे, और स्टॉल्पिन के हत्यारा जो था उसको गोली मार देता है। ओके, स्टॉल्पिन गॉट असैसिनेटेड इन फ्रंट ऑफ द जार, और जैसे ही स्टॉल्पिन मारा जाता है तो बोला जाता है कि ये स्टॉल्पिन को जिसने मारा एनार्किस्ट, वो उस एनार्किस्ट नहीं थे, बट रशिया के लोगों को लगता था कि इट वॉज द जार हु किल्ड द स्टॉल्पिन, क्योंकि जार नहीं चाहता था कि रशिया का जो प्राइम मिनिस्टर था स्टॉल्पिन, ये स्टॉल्पिन यहाँ पे पावर कैप्चर कर दे। सो यू विल सी दैट द रशियन मासेस अगेन स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग अगेंस्ट द किंग, बोले ये गलत किया है, और रशिया के लोगों को लगता था दैट दिस रशियन किंग इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड द मर्डर ऑफ पीटर स्टॉल्पिन। और इसके कारण 1911 से 1914 के बीच में रशिया के अंदर बहुत ही टर्बुलेंट टाइम्स आता है, इतनी अराजकता आ गई, और रशिया का राजा यहाँ पे अपना इंपीरियल बेस भी एक्सपांड करा रहा था। आपको वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रहनी चाहिए, और नहीं हो तो आप वर्ल्ड वॉर के वीडियोस को पहले समझिएगा कि किस तरह से रशिया का राजा यहाँ पे एक आइडियोलॉजी चलाता था जिसका नाम था प्लान स्लाविज्म। ये प्लान स्लाविज्म इसके लिए चलाया जाता था बिकॉज इसको अपना इंपीरियल बेस एक्सपांड करना था। इंपीरियल बेस इसके लिए एक्सपांड करना था क्योंकि ये चाहता था कि रशिया के अंदर उसका पावर कैप्चर रहे, वो बनता रहे, अगर नहीं हो पाएगा तो रशिया की प्रजा उसको हकाल देगी। और ये कंडीशन के अंदर प्लान स्लाविज्म के थ्रू ही ये सर्बिया को सपोर्ट करेगा, और फाइनली यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर कंक्लूजन होगा। सो यू विल सी इन जुलाई 1914 व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड द रशियन किंग इंटरवीन्स ऑन बिहाफ ऑफ द सर्बियन फोर्सेस, और वो जर्मनी के सामने युद्ध डिक्लेयर कर देता है। अब देखेगा कि जैसे ही रशिया युद्ध डिक्लेयर करेगा तो रशिया की प्रजा को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि बाय 1917 यू विल रियलाइज कि ऑलमोस्ट 17 से 18 लाख रशिया के सोल्जर्स मारे जाते हैं युद्ध के अंदर में, और रशिया की प्रजा उससे इतना गुस्सा हो गई कि बात मत पूछो। एंड इन दिस कंडीशन यू विल रियलाइज कि जब युद्ध हुआ तो रशिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस भी हुए, इतने सारे लोग मारे भी जाते हैं, और ये कंडीशन में रशिया की जो मासिस थे वो राजा के विरुद्ध में आंदोलन करते हैं। और यहाँ पे जब राजा के विरुद्ध में आंदोलन बहुत बढ़ गया तो राजा को लगता है कि अब मेरी मौत आ जाएगी, इसके पहले राजा फाइनली एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश करेगा। राजा डिसाइड करेगा कि भाई देखो, मैं सत्ता छोड़ रहा हूँ, और मेरा जो यंगर ब्रदर है जिसका नाम था माइकल, बोले माइकल के हाथ में सत्ता देके जा रहा हूँ, आई एम लाइक नो रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द किंग। बट माइकल बोला बहुत स्मार्ट, बोले माइकल बोलता है कि भाई मुझे कुछ राजा बजा नहीं बनना, आई कैन नॉट बेयर द ब्रंट ऑफ द पीपल ऑफ द रशियन रशियन पीपल एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू बी द किंग। बोले मुझे नहीं बनना राजा वाजा, तुमको जो करना है वो करो। और राजा के विरुद्ध में इतनी बड़ी क्रांति हुई, और ये कंडीशन में जब यहाँ पे माइकल नाम का जो राजा का छोटा भाई था जार निकोलस का, वो मना करता है, तो फाइनली ये जो सोशल डेमोक्रेट्स हुआ करते थे वहाँ पे, जो लिबरल फैक्शन
हुआ करता था रिवॉल्यूशनरीज का, सोशल पार्टी का, उनके ही एक जेंटलमैन थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर केरेंस्की। ये केरेंस्की यहाँ पे सरकार बनाएंगे। ओके, सो इन दिस कंडीशन रशिया के अंदर डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है जब जार रिजीम को कन्वर्ट करके यहाँ पे फाइनली एक पॉलिटिकल पार्टी सत्ता के ऊपर आएगी और यहाँ पे अलेक्जेंडर केरेंस्की यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएंगे। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द फेब्रुआरी 1917 रिवॉल्यूशन, जब राजा के विरुद्ध में क्रांति हुई। और ये क्रांति के बाद यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन के आई। अब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत ही प्रोविजनल गवर्नमेंट बोलते हैं क्योंकि ये फेब्रुआरी 1917 से लेके खाली नवंबर या अक्टूबर 1970 तक ही रहती है। सो ऑलमोस्ट आपको जानकारी रहनी चाहिए कि ये 9 to 10 months से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती है। सो दिस वॉज द केस, अलेक्जेंडर केरेंस्की फॉर्म्स द प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब बेसिकली अलेक्जेंडर केरेंस्की के जो आइडियोलॉजिकल फैक्शन था वो ही बिलोंग टू दिस मेंशेविक। ओके, एंड बेसिकली ये मेंशेविक लोग ने डिसाइड किया था कि हमको अभी इलेक्शंस नहीं कराने हैं। इलेक्शंस क्यों नहीं कराने हैं? क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा है और वर्ल्ड वॉर के अंदर में रशिया के अंदर इतना एंटी वॉर मैसेज क्रिएट हो रहा था, बट स्टिल दिस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिड नॉट विड्रॉ फ्रॉम द वॉर, इट डिड नॉट केयर टू कॉल दी इलेक्शंस। सेकेंडली, इसने इकोनॉमिकली भी कुछ रिफॉर्म्स लाते नहीं हैं, तो इसके कारण इसका जो ऑपोजिट फैक्शन था आइडियोलॉजी वाला, जिसको हम लोग कहते हैं मेंशेविक और बोल्शेविक, और बोल्शेविक के लीडर हुआ करते थे लियोन ट्रॉट्स्की। तो लियोन ट्रॉट्स्की ने तुरंत बताया ये मेंशेविक्स को कि आपको कुछ भी हो जाए यहाँ पे रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। सो फ्रॉम फेब्रुआरी 1917 टिल नवंबर 1917 रशिया के अंदर एक टग ऑफ वॉर चलता है जो बेसिकली बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स के बीच में चलता है। ओके, सो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है जो व्लादिमीर उलानोव हम लोग कह सकते हैं, और दूसरे यहाँ पे ट्रॉट्स्की जैसे भी लोग थे जो बोल्शेविक मेंशेविक की जो स्प्रिट होती है। और यहाँ पे ये जो रिफॉर्म्स था, ये जो सेक्शन जो था जिसे हम लोग बोल्शेविक्स कहते हैं, ट्रॉट्स्की जैसे लोग, इन्होंने डिसाइड किया कि आपको इमीडिएट इलेक्शंस करने चाहिए, आपको इमीडिएट रिफॉर्म्स करने चाहिए। बट ये जो अलेक्जेंडर केरेंस्की था वो क्या बताता है कि भाई इट विल टेक सम टाइम, बड़ी अभी का अभी नहीं कर सकता, अभी तो मैं नया नया पीएम बना हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे पावर पावर दिखाऊंगा लोगों को, फिर हम लोग देखेंगे। बट इन दिस कंडीशन यहाँ पे जब बोल्शेविक्स ने रशियंस को, जो गवर्नमेंट थी उसको बताया कि आपको वर्ल्ड वॉर से भी विड्रॉ करना पड़ेगा, आप इतने लोगों को बेमौत नहीं मार सकते जस्ट बिकॉज यहाँ का जो राजा था जार उसने ये गलती कर दी है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कर सकती। हेंस द बोल्शेविक्स एंड द मेंशेविक्स वर हैविंग आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, दे वर हैविंग पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट। और ये पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट आपको जानकारी मिलती है कि फेब्रुआरी 1917 से लेके नवंबर 1917 तक आते आते कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली नवंबर 1917 के अंदर एक और क्रांति होगी। और ये क्रांति के बाद फाइनली कम्युनिस्ट सरकार बनती है रशिया के अंदर, जिसे ही हम लोग कहते हैं बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। तो मार्च फेब्रुआरी 1917 का जो रिवॉल्यूशन था दैट वॉज काइंडली डेमोक्रेट इन नेचर, बट द फेब्रुआरी द नवंबर 1917 अक्टूबर 1917 रिवॉल्यूशन वॉज फाइनली यू विल सी कम्युनिस्ट इन नेचर। ओके, अब हुआ ये कि यहाँ पे रशिया के अंदर एक इवेंट बन गया, वो इवेंट था बेसिकली कॉर्निलोव को लेके, रशियन आर्मी के जो जनरल हुआ करते जिनका नाम था जनरल कॉर्निलोव। और ये कॉर्निलोव बेसिकली ये अलेक्जेंडर केरेंस्की को पसंद नहीं करते, आर्मी वाला था वो, डेमोक्रेट्स को पसंद नहीं करता था। तो ये क्या करता है कि एक मिलिट्री कू कर देता है, और मिलिट्री कू जैसे करने की कोशिश करेगा तो केरेंस्की की जो सरकार थी उसको लगता है कि ये कॉर्निलोव हमको उखाड़ फेंक देगा। सो इन दिस कंडीशन केरेंस्की ट्राइज टू हेल्प टेक द हेल्प फ्रॉम द बोल्शेविक्स, और बोलता था है कि भाई देखो हमारे जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है वो भूल जाओ, ये कॉर्निलोव मिलिट्री वाला आदमी हमारा पावर ले लेगा। ओके, और ये कंडीशन में आपको जानकारी मिलती है कि जो बोल्शेविक की जो छोटी सेना हुआ करती थी उसको रेड गार्ड्स कहते थे, उन्होंने कॉर्निलोव को हरा दिया। और उसके बाद आपको जानकारी मिलती है कि ये जो बोल्शेविक ग्रुप था वो बोल्शेविक ग्रुप यहाँ पे बहुत फेमस हो गया, दिस इज जनरल कॉर्निलोव। ओके, तो कॉर्निलोव अफेयर यहाँ पे रशिया की हिस्ट्री के अंदर आप लिख सकते हो कि इन बिटवीन जो फेब्रुआरी से नवंबर के बीच में जो ट्रांजिशन होता है उसके अंदर ये चीज हुआ। ओके, सो दिस गाय ट्राइज टू कैप्चर द पावर, ये केरेंस्की जो मेंशेविक सेक्शन से बिलोंग करता था, ही ट्राइज टू टेक हेल्प ऑफ द बोल्शेविक्स, और बोल्शेविक्स इसके बाद यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर हो रहे थे। इसी पॉपुलरिटी के अंदर तक आते आते अप्रैल 1917 में बोल्शेविक ने बता दिया कि भाई हम लोग सही सरकार है, वो अलेक्जेंडर केरेंस्की कोई सरकार नहीं है। और ये कंडीशन में आपको जानकारी मिलती है कि अप्रैल 1917 तक
आते आते यहाँ पे लेनिन, जो बोल्शेविक का बहुत ही पॉपुलर लीडर हुआ करता था, वो एक टाइम के अंदर यूरोप के अंदर था, वो वापिस आएगा और वो वापिस आने के बाद यहाँ पे केरेंस्की को बोल देगा कि बेटा तुम्हारे दिन भर आ गए हैं, अब तुम यहाँ से निकलो, अब हमको पावर दे देना। ओके, सो लेनिन वॉज अ वेरी लाइक नो वॉज ए वेरी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी और यहाँ पे बड़ी बड़ी स्पीचेस दिया करता था और लिखता था, और इसके कारण पूरे के पूरे रशिया के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी। ओके, सो बाय अप्रैल 1917 यू विल रियलाइज कि ये जो सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशन होता है, ये सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशन के अंदर में लेनिन की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ती है और वो यहाँ पे एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी काउंसिल बनाता है और मई 1917 के अंदर यहाँ पे एक ऑर्डर इशू करता है कि आज के बाद सोवियत आर्मी है वो लेनिन और ये बोल्शेविक फैक्शन के अंदर ही काम करेगी। सो बाय अप्रैल मई 1917 यहाँ पे एक टग ऑफ वॉर इतना बढ़ गया था कि ये जो बोल्शेविक फैक्शन था, जो रिवॉल्यूशनरी फैक्शन था, उसने यहाँ पे केरेंस्की को बोल दिया था कि भाई तू हमको यहाँ पे पावर दे देना। लेनिन पीछे यहाँ पे ये जो बोल्शेविक सेक्शन था उसके 12 लीडर्स के साथ एक दिन मीटिंग करता है अक्टूबर के अंदर, एंड फाइनली इन अक्टूबर 24th फाइनली लेनिन डिसाइड करता है कि जितने भी पेट्रोगार्ड, जो रशिया का कैपिटल हुआ करता था, उनके जितने भी इम्पोर्टेंट एरियाज है, जैसे टेलीफोन एक्सचेंज है, टेलीग्राफ ऑफिसेज है, बैंक्स है, रेलवे स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, ब्रिजेस है, वो सब एरियाज को कैप्चर कर दो। और उसके बाद ऑन 25th अक्टूबर 1917 यू विल सी कि एवरी बिल्डिंग इन सेंट पीटर्सबर्ग वॉज अंडर द बोल्शेविक कंट्रोल। और जैसे ही ये न्यूज़ पीएम केरेंस्की को मिलते हैं, वो यहाँ से भाग जाता है और लेनिन यहाँ पे पूरे के पूरे रशिया को बोल देता है कि आज के बाद बोल्शेविक गवर्नमेंट रशिया के अंदर आ गई है। सो यू विल सी दैट द 24th एंड द 25th अक्टूबर कू, इस तरह का आप जो रिवॉल्यूशन था, दैट वॉज वेरी मच ब्लडलेस, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा हिंसा होती नहीं है। ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थोड़ी बहुत आई थी, अपने आप को डेमोक्रेटिक बोलते थे, वो लोग बेसिकली यहाँ से भाग खड़े होते हैं। ओके, सो दिस वॉज द रशियन रिवॉल्यूशन। और 1917 के बाद यहाँ पे बहुत सारी घटनाएं होगी। फ्रॉम 1917 टिल 1921 रशिया के अंदर गृह युद्ध चलता है, जिसे हम लोग सिविल वॉर कहते हैं, एंड फाइनली 1922 तक आते आते रशिया USSR के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 12 से ज़्यादा एरियाज यहाँ पे एक यूनियन बनाएंगे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ओके, सो यू विल सी उसको बात करेंगे, उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन के सिग्निफिकेंस को भी जानने की कोशिश करेंगे। 1918 टू 1921 अ सिविल वॉर टेक्स प्लेस इन रशिया। क्यों सिविल वॉर होता है? क्योंकि रशिया के अंदर यहाँ पे बेसिकली दो आर्मीज फाइट कर रही थी, एक तो थी वाइट आर्मी और दूसरी थी रेड आर्मी। रेड आर्मी मतलब कम्युनिस्ट लोगों की आर्मी, और वाइट आर्मी मतलब जो आपके डेमोक्रेट्स और जो भी थोड़े बहुत फोर्सेस थे, वो लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ वाइट कर रहे थे। मुद्दा ये आता है कि व्हाई डिड द बोल्शेविक रूल, जब से बोल्शेविक सत्ता के ऊपर आए, क्यों सिविल वॉर रशिया के अंदर हो गया? उसके पीछे बेसिकली कारण बोला जाता है कि जब से बोल्शेविक आए थे, तो बोल्शेविक्स ने बोल दिया था कि वी आर कम्युनिस्ट और हम लोग यहाँ पे कम्युनिस्ट शासन लगाएंगे, और बहुत सारे लोग रशिया के, इवन वेस्टर्न यूरोप के, उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। बेसिकली 1918 से लेकर 1921 तक आते आते रशिया के अंदर सिविल वॉर हुआ, और सिविल वॉर 4-5 फैक्शंस के बीच में लड़ा गया था। एक तो थे ज़ार के सपोर्टर्स, जो मोनार्की लाना चाहते थे, एक तो थे मेंशेविक, जो सोशल रिवॉल्यूशनरीज थे, वो समाजवाद के आधार के ऊपर लाया करते थे, एक तो थे लैंडलॉर्ड्स एंड कैपिटलिस्ट और चर्च, क्योंकि इनको भी पावर चाहिए था, ये भी जमींदार हुआ करते फ्यूडल, और चौथे थे बोल्शेविक, क्योंकि बोल्शेविक जब 1917 से पावर में आते हैं, तो आपको जानकारी मिलेगी कि ये लोग पूरा का पूरा पावर कैप्चर करेंगे। बोल्शेविक ने बोल दिया कि आज के बाद चर्च का पावर खत्म। बोल्शेविक बेसिकली मोनार्की को मानते नहीं थे, बोल्शेविक लैंडलॉर्ड्स को भी नहीं मानते थे, क्योंकि वो तो इक्वालिटी लाने की बात करते थे, बोले सामाजिक रूप से हमको एक हो जाना चाहिए। इन्होंने ये भी बता दिया कि भाई ये फैक्शन की हमको नहीं चाहिए। और जब बोल्शेविक ने इतने सारे रिफॉर्म्स लाने शुरू किए, तो बहुत सारे कंट्रीज को भी पसंद नहीं आ रहा था, खास करके ये जो मेंशेविक थे, उनकी जो वाइट आर्मी थी, उनको सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन और फ्रांस, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि बोल्शेविक लोग पावर के ऊपर आ जाए, कम्युनिस्ट लोग पावर के ऊपर आ जाए, तो इनका भी सपोर्ट होता है। एंड फाइनली यू विल रियलाइज कि 1921 के बाद यहाँ पे फाइनली 1922 तक आते आते ये जो रेड आर्मी है, जो कम्युनिस्ट आर्मी है, वो यहाँ पे जीत जाती है सिविल वॉर, और उसके बाद ही USSR एस्टेब्लिश हो जाता है। अब देखेगा कि ये कोल्ड वॉर का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कोल्ड वॉर तो अमेरिका और रशिया के बीच में हुआ था, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये कोल्ड वॉर का बैकग्राउंड तो बनता ही है, क्योंकि कम्युनिस्ट लोगों को डेमोक्रेट्स पसंद नहीं थे, डेमोक्रेट्स को कम्युनिस्ट पसंद नहीं थे। जब कम्युनिस्ट लोग पावर के ऊपर आते हैं, तो जितने भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस थे, वो कम्युनिस्ट को टॉपल करने की कोशिश करेंगे, वो भी प्रॉक्सी वॉर के थ्रू, पर्टिकुलरली ब्रिटेन एंड
फ्रांस। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि रशिया के अंदर जो रिवॉल्यूशन होता है वो किस तरह से होता है और सिविल वॉर किस तरह से हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं आउटकम और सिग्निफिकेंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन। पहला रिवॉल्यूशन का आउटकम क्या रहा, फर्स्ट रिवॉल्यूशन जो फेब्रुवरी के अंदर हुआ, फर्स्ट फेज वाला, फेब्रुवरी 1917 के अंदर क्या आया, पीपल्स गवर्नमेंट। बोले यहाँ पे अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे सरकार बनाती है और उसको ही पीपल्स गवर्नमेंट कहते हैं। राजा ख़त्म हो गया, एंड ऑफ मोनार्की, और सरकार ने बोल दिया कि अब की बार सिटीजन की सरकार। साथों साथ ये पीपल गवर्नमेंट नो डिवाइन राइट वाली थी, आज के बाद की भाई कोई डिवाइन राइट्स नहीं, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग भाई, एक ही सरकार रहेगी। रशिया बिकेम द कम्युनिस्ट कंट्री, द फर्स्ट कम्युनिस्ट कंट्री टू कम इन टू द फॉर्म। ओके, और रशिया बेसिकली कम्युनिस्ट बन जाता है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड द आइडियाज ऑफ द मार्क्स फॉर कॉन्क्रीटाइज। मार्क्स की विचारधारा अभी तक थी, बोले समाजहीन वर्ग रहेगा, है ना, क्लास सॉरी वर्गहीन समाज रहेगा आपका, क्लासलेस सोसाइटी होगी, और क्लासलेस सोसाइटी अल्टीमेटली नेशनलेस सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। मार्क्स की जो विचार थे वो सबके सब रशिया के अंदर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराए जा रहे हैं। द आइडियाज ऑफ कम्युनिज्म केम इन टू प्रैक्टिस, इसके पहले नहीं थे भाई, बट नाउ दे केम इन टू प्रैक्टिस। अब देखने को मिल रहा है कि कम्युनिज्म नाम की जो विचारधारा है वो फाइनली एक गवर्नमेंट का फॉर्म ले रही है, और ये सरकार कैसी हो, क्यों, मार्क्स ने तो विचार छोड़ के रख दिए थे, उसका जो सेटअप था वो फर्स्ट टाइम रशिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा किस तरह से अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ जब भी कम्युनिज्म आया तो कम्युनिज्म और कम्युनिस्ट आइडियाज क्या बताता है, बोले प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी नहीं चाहिए, जो भी होगी सरकार की होगी, एंड इन दिस कंडीशन द नेशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज टुक प्लेस। द रशियन पीपल और द कम्युनिस्ट स्टेट अबॉलिश द आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, नथिंग डूइंग, एवरीथिंग इज नेशनलाइज, राइट फ्रॉम लैंड टू बैंक्स टू इंश्योरेंस कंपनीज टू रेलवे कंपनीज, एवरी सिंगल थिंग वॉज कंट्रोल्ड बाई द रशियन स्टेट, और सब का सब हो गया। तो प्राइवेट ओनरशिप आपकी बंद हो गई, और रशिया के अंदर एक नया इकोनॉमिक मॉडल आता है 1921 के बाद। यहाँ पे रशिया के अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके यूपीएससी ने ऑलरेडी प्रश्न 2015 के मेंस के अंदर पूछ दिया है, आप इसको थोड़ा बहुत रिफर कर दीजिएगा अपने किताबों के अंदर। उसके अंदर हम लोग नहीं जाएंगे कि व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, बट द रशियन मॉडल ऑफ नेशनलाइजेशन एंड रशिया बिकेम अ कमांड इकोनॉमी। ये कमांड इकोनॉमी रशिया बन जाता है। रशियन स्टेट यहाँ पे प्लानिंग का मॉडल लाएगा, और प्लानिंग के मॉडल के थ्रू यहाँ पे रशिया को इंडस्ट्रियल जायंट बनाने की कोशिश की जाएगी। यही प्लानिंग का मॉडल बेसिकली रशिया को फेल कर देता है, और फाइनली 1991 के अंदर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर प्रोज एंड कॉन्स कि किस तरह से होता है। ओके, सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द बैंक्स इंडस्ट्रीज लैंड वर नाउ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड एज अ रिजल्ट व्हेन द नेशनलाइजेशन टुक प्लेस सम ऑफ द पीपल ऑफ रशिया डिड नॉट लाइक दिस एंड दिस पुश्ड रशिया टुवर्ड्स सिविल वॉर। हमने देख लिया है कि किस तरह से सिविल वॉर रशिया के अंदर हुआ था। ओके, तो उसके अंदर नहीं जाएंगे। Russia also became a secular state. From now onwards, the role of the church in politics was abolished. आप याद करिएगा, बोले रास्पुटिन नाम का एक इंसान था जो रशिया की जो एम्प्रेस थी जारीना, उसके साथ उसका वो था ना कि अफेयर वफेयर की बात हुआ करती थी। ओके, और साथों साथ ये यहाँ पे पावर भी कैप्चर करके रखा था। तो कम्युनिज्म क्या बताता है और मार्क्स क्या बताता है, बोले रिलीजन इज लाइक एन ओपियम, बोले आपको हाई कर देगा और होना ही नहीं चाहिए। और मार्क्स तो ये भी बताता था कि ये रिलीजन किसने बनाया है, बोले कैपिटलिस्ट क्लास ने बनाया है, ये जितना भी पूंजीवादी वर्ग है इन्होंने ही धर्म बनाया है और इसके कारण ये आपको कंट्रोल कर रहे हैं। तो फाइनली रशियन स्टेट ने डिसाइड किया कि हम लोग सेक्युलर बनेंगे, सेक्युलर एजुकेशन देंगे, और रशिया के रिवॉल्यूशन के बाद ही आपको जानकारी मिलेगी कि इक्वालिटी भी एस्टैब्लिश होगी। और इक्वालिटी, और कैसी इक्वालिटी, हर एक देश के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ, जैसे अमेरिका के अंदर हुआ, जैसे फ्रांस के अंदर हुआ, आदि इत्यादि भी बहुत सारे कंट्रीज के अंदर रिवॉल्यूशन हुआ। अमेरिका के अंदर सोशली इक्वालिटी आई थी नहीं, क्यों, क्योंकि ब्लैक्स को राइट्स नहीं दिए गए थे, आपके नेटिव्स को राइट्स नहीं दिए गए थे। फ्रांस के अंदर भी देखोगे तो इक्वालिटी आई थी, मिडिल क्लास जो था उसने पावर कैप्चर कर दिया, डायरेक्टरी कौन था, मिडिल क्लास था, बुर्जुआ क्लास, बट आपके जो वर्कर्स और पीजेंट्स हैं उनको राइट्स है नहीं। ऊपर से फ्रांस की क्रांति के बाद तो एक कंसेप्ट आया पैसिव सिटीजन एंड एक्टिव सिटीजन,
बोले जो आदमी को राइट टू वोट है वो एक्टिव सिटीजन है, जो आदमी को राइट टू वोट नहीं है वो पैसिव सिटीजन। तो कहीं इक्वालिटी ही नहीं थी भाई। और रशिया के क्रांति ने एक चीज को यहाँ पे बरकरार कर दिया, बोले नो नो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और नो सोशल इनइक्वालिटी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड यू विल सी दैट इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी वॉज गिवन टू द पीपल, दोनों एक साथ। अमेरिका के अंदर अगर आप देखोगे कि सोशल इक्वालिटी कब आती है ब्लैक्स को, अगर उनको इमेंसिपेट करोगे तो 1860s में, और सोशल इक्वालिटी अगर आप कंटिन्यू करोगे तो 1960s तक आते आते उनको वोटिंग राइट दिए जाते, तब जाके वो इक्वल पार्टनर्स बनते हैं अमेरिका के कंट्री के अंदर। अफ्रीकन अमेरिकन हम लोग कहते हैं, ब्लैक सिटीजन्स, वही समाज से एक इंसान आज अमेरिका का राष्ट्रपति भी है, अब थोड़े समय तक ही रहेंगे, बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बट रशिया की क्रांति हुई तो रशिया की क्रांति ने पूरी दुनिया के अंदर दिखा दिया, बोले सोशल इक्वालिटी भी आ सकती है, इकोनॉमिक इक्वालिटी आ सकती है, दैट कैन कम ऑन वन स्ट्रोक। एंड इन दिस कंडीशन जब रशिया कम्युनिस्ट बनता है तो पूरी की पूरी दुनिया के अंदर ये कम्युनिज्म का फैलावा होगा, और ये आफ्टर 1917 द कम्युनिज्म स्टार्ट स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड आफ्टर 1945 दिस कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट एंड इट रिजल्टेड इनटू द कोल्ड वॉर। ओके, सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द आउटकम्स ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, बी इट फेब्रुआरी रिवॉल्यूशन, बी इट द नवंबर अक्टूबर रिवॉल्यूशन। ओके, तो मार्च या नवंबर या फेब्रुआरी या अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 के। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड रशिया के रिवॉल्यूशन के कौन से आउटकम्स हो सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक आउटकम्स अगर समझने हो तो एक और चीज भी लिख सकते हो, वो है नेशनलाइजेशन, कलेक्टिवाइजेशन। इन्होंने कलेक्टिव पार्किंग लेके एक कंसेप्ट लेके आया था, आपके लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट कर दिया गया था, साथों साथ ये लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग का मॉडल भी लेके आए थे, और ये सब मॉडल भी रशिया के अंदर चलता है। और रशिया की बेसिकली इकोनॉमी थी वो प्लानिंग के ऊपर चलती है, और प्लानिंग क्या करता है अगर आपको जानकारी होगी तो, प्लानिंग होगा तो आप क्या करोगे, आप रिसोर्सेस को यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे, और रिसोर्सेज को आप फाइनली क्या करोगे, बोले टारगेट बना दो, और जहाँ पे आपने टारगेट डाला वहाँ पे 100% रिसोर्सेज को बुक कर दिया तो वहाँ पे बहुत बूम आ गया, बाकी से के सेक्टर सब के सब रह जाएंगे। तो रशिया का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था बहुत ही फ्लॉड रहा है। ओके, उसके अंदर हम लोग कभी बाद में बात करेंगे, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज रशियन रिवॉल्यूशन ऑल अबाउट एंड व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन।